लेते थे लिपिगेट भी लेते थे हाँ लेते थे डीएमजी की। अब कोई अंग्रेजी दवा यूज नहीं कर रहे, नहीं कोई इंसुलिन यूज नहीं कर रहे, नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह शुगर भी उनकी कंट्रोल है पिछले 10 दिन से, सही और 10 दिन से डॉक्टर फहीम की भी शुगर की दवा नहीं ले रहे। हाँ नहीं एक और कंप्लेन थी, पेशाब नहीं आ रहा था, तो हमने कहा था कि हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, अगर ना आए तो एक आध दवा और सैफुल इस्लाम भाई की, यही काम करते हैं। सैफुल इस्लाम भाई आपके भी वालिद साहब हैं, कुछ बिल्कुल जो आपने 12 दिन में देखा और सुना जो हुआ, कुछ कमेंट्स करना चाहेंगे इस हवाले से? डॉक्टर साहब अभी हम गए थे डॉक्टर के पास ले गया अब्बू को, सही है, उन्होंने भी बोला भाई जो दवाइयाँ चल रही हैं उनकी वही चलाएं आप। जब एलोपैथिक डॉक्टर तो हकीम को देखते ही बोल देता है कि जहर खा रहे हो, बिल्कुल 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 बिल्कुल, मगर उन्हें भी अंदाजा हो गया कि ये एक मेरिकल हुआ, ये एक मौजज़ा हुआ। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो आप खुद माशाल्लाह कुछ समझदार मुझे भाई से ज्यादा लग रहे हैं, भाई नाराज ना हो जाए, आपका क्या काम है? यही काम है भाई के साथ? जी हाँ बिल्कुल यही काम है, मगर आप थोड़े से मुझे कुछ चलता पुर्जा लग रहे हैं, इसको कहते हैं समझदार, दुनिया को ज्यादा बढ़ते हुए या दुनिया को ज्यादा फेस करने की, ज्यादा बेहतर बात करने की जिसमें एक तरतीब होती है। तो आप अब तक जिस 12 दिन के ट्रीटमेंट को क्या कहेंगे, जो इतने अरसे से वो बीमार है, वो जिस अजीज से गुजरे उस बारे में क्या कहेंगे, अंग्रेजी तरीका इलाज के बारे में क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब मैं तो यही कहूँगा आपको कि शुगर में बहुत कंट्रोल आया अल्हम्दुलिल्लाह, सही है ना, और बेहतर रिस्पांस दिया शुगर ने कि 39 हो गई थी शुगर उनकी 40 से डायरेक्ट 400 से सॉरी, तो देखा जाए तो शुगर के ऊपर आपने बहुत अच्छा कंट्रोल करा, अल्लाह ताला ने बहुत रहम करा हमारे पे। लेकिन अभी जो सिचुएशन है ना उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, जिसकी वजह से हम आपके पास दोबारा आए। नहीं वो तो अभी कब्ज की शिकायत लेकर आए आप? मतलब ख़राब है जिस वजह से हम आपके पास आए हैं। कितने अरसे से बीमार है? ये 1.5 महीना हुआ है डॉक्टर साहब। अच्छा मुझे ये पता चला था कि 20 साल से शुगर 3 है। शुगर 20 साल से 3 को? और उस शुगर की वजह से ये गुर्दे खराब हुए, पता आपको? हम यही रोना रोते हैं कि जब आप शुगर की दवा लेते हैं जी, नहीं नहीं किसी मरीज को शुगर होती है, डॉक्टर कहता है कोई मसला नहीं फला दवा ले लो 250 mg की, कोई मसला ही नहीं है, शुगर बढ़ते बढ़ते डोजेज बढ़ती जाती है 500, 750, 650, 1000 mg, 4 mg फिर 4 ग्राम की दवाएं, फिर बड़ी हार्ड दवाएं, फिर एंड में इंसुलिन, मगर वो दवाएं क्या करती हैं कि दूसरे अमराज पैदा करती हैं, एंड में ये होता है जो आपके वालिद साहब के साथ हुआ जी। अच्छा तो वो 20 साल से बीमार थे और अल्लाह ताला ने वो 20 साल की बीमारी 2 दिन में ख़त्म कर दी। दीगर मसाइल भी जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थे क्योंकि वो उन दवाओं की वजह से और शुगर की वजह से हुए। आपको मैंने 6 महीने का टाइम दिया है, उसके मुताबिक बताइए कि ये 10-12 दिन जो दवा खाई है आप क्या समझते हैं, और 20 साल से कहीं ना कहीं आप किसी न किसी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, इलाज कराते जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं डॉक्टर साहब हमने ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद साहब को कोई बीमारी नहीं हुई सिवाय इस शुगर के, सही है ना, और ये शुगर की टेबलेट लेते थे डेमेग्रान MR 30 mg की, उसके अलावा इन्होंने शुगर की कोई टेबलेट इस्तेमाल नहीं की, और यहाँ तक कि ये एक एक हफ्ते छोड़ दिया करते थे तो सेट रहते थे माशाल्लाह से। ये तो अचानक अभी इनकी जो तबीयत इतनी ख़राब हुई है जिसकी वजह से हम आपके पास आएँ। उस तबीयत ख़राबी की वजह किसको समझते हैं आप? देखें शुगर भी इफ़ेक्ट कर रही थी, सही है ना, और अभी इस वक्त इनके गुर्दे भी बड़े डैमेज हैं, जिसके गुर्दे डैमेज की वजह किसको समझते हैं आप? गुर्दे डैमेज किसको समझते हैं? गुर्दे डैमेज की वजह किसको समझते हैं आप? या शुगर को बोलें या एज को बोलें, यानी इस उम्र के अंदर 70 साल में लोगों के गुर्दे ख़राब हो जाते हैं आप ये कह रहे हैं? मेरा कहने का वो यही मकसद है कि एज के हिसाब से कमजोर हो जाते हैं। अंग्रेजी अदवियात और शुगर ये उनकी बीमारी का सबब है। अच्छा। अंग्रेजी अदवियात हमने 12 दिन से बंद कर दी है, अल्हम्दुलिल्लाह शुगर का आर्जा उनका ख़त्म हो गया, अल्लाह ताला इसी नेमत में रखे। आहिस्ता आहिस्ता गुर्दे खराबी को फ़ौरन रिजल्ट नहीं मिलता। अच्छा। और जो उनका वज़न है, वज़न उनका मुश्किल से 30 से 40 किलो होगा और 70 और उनकी हाइट तकरीबन 5 फुट 4 इंच है, इस हाइट के साथ ये वज़न बहुत कम है, अंदर से उनके मामला बहुत ख़त्म हो गए हैं। जब आप पहली दफ़ा आए थे मैंने आपको एक बात कही थी, शायद आपको याद नहीं, कि मैं 50-50% के रिस्क पे इलाज करूँगा, ऐसा मैं हर मरीज को नहीं कहता, कोई 1000 में किसी एक मरीज को कहता हूँ, मगर अल्लाह ताला ने बहुत रहमत का मामला कर दिया उनके ऊपर। तो जब अल्लाह ताला रहमत करे तो डॉक्टर फहीम कौन होता है? मैं कहीं ये नहीं कहता कि डॉक्टर फहीम या डॉक्टर फहीम की दवा ने इस मरीज की शुगर जड़ से ख़त्म कर दी, मेरा कोई कमाल नहीं है,
ये शिफा भी अल्लाह ने दी, ये मर्ज भी अल्लाह की तरफ से है, मगर कुछ वसीला बनते हैं, वजह बनते हैं। बीमारी की वजह बन गई शुगर या अद्वियात, शिफा की वजह बन गई डॉक्टर फहीम की अद्वियात, मगर हो अल्लाह की मर्जी से रहा। उम्मीद है आगे भी अल्लाह शिफा देंगे ना। गारंटी मैंने 12 दिन पहले दी थी, मगर कोई मुझसे मरीज भी कहता है ना मुझसे 1 करोड़ ले लो गारंटी दे दो, ये अल्लाह ने 2 दिन में शुगर ख़त्म कर दी, मैं क्यों किसी से करोड़ ले लो या अरबों खरबों ले लो। अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह ने ख़त्म कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। डेली आप शुगर चेक कर रहे हैं, चार्ट बनाने का आपको कहा हुआ है, वो पर्चा लेकर आए आप साथ, वो पर्चा साथ लेकर आया करें और उस पर रोज़ाना लिखा करें। कोई और बात सैफुल इस्लाम भाई कहना चाहते हो, देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहते हो? बस यही मैसेज करेंगे इंशाल्लाह कि आपकी दवाई से इतने बेहतर हुए हैं, आगे भी और बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह, और लोगों को भी यही बोलेंगे कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएँ। अच्छा, हम ये इसलिए वीडियो नहीं बनवाते कि मरीज यहाँ पर आए, हमारा मकसद बात ये है कि अगर आपसे फ़ायदा होगा तो बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही कि मूजी अमराज के खिलाफ एक जहाद है, उसमें हमारा साथ दें, कम से कम अंग्रेजी दवाएं छोड़ें, हर्बल इलाज पे आ जाएं। जो लोग कहते हैं कि इसका इलाज मुमकिन नहीं है, ये गलत है, क्योंकि नबी करीम सलम की हदीस शरीफ है कि हर मर्ज का इलाज मुमकिन है। असल में बस बात यही है मुख्तसर सी कि हर मर्ज का इलाज मुमकिन है, और इस मर्ज के लिए हम जो एक तको दो कर रहे हैं, ख़ासतौर पर शुगर गुर्दे के मामला, आप लोगों ने साथ देना है, इन मरीज़ों के लिए भी दुआ करनी है, आने वाले मरीज़ों के लिए साथ। आप एक बटन क्लिक करके भी दे सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, कि खुदारा उस इलाज की तरफ आएँ जो हदीस शरीफ है कि हर बीमारी का इलाज अल्लाह ताला ने उतारा है, जो 24 से 40 हज़ार पैगम्बरान इस्लाम की सुन्नत है, जो तकरीबन 24 से 40 हज़ार पैगम्बरान इस्लाम की सुन्नत है और 25 हज़ार साल से दुनिया राइज है, तो इस तरीके पर काम हो रहा है, इसके ऊपर आए। ये हम एक चैलेंजेस कबूल करते हैं खुदा नबी की करीम सिस्टम की तरफ नज़र रखते हुए, तो इसमें दुआ करें कि आने वाले मरीज़ों को शिफा हो और अल्लाह ताला रहमत का मामला करें। इस अपनेपन के साथ दुआओं में याद रखिएगा तमाम मरीज़ों को, डॉक्टर फहीम हर्बलिस्ट को, उनकी टीम को, उनके स्टाफ को, उनकी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।